वक्त मोदी और जयशंकर की जय जयकार हो रही है। चीन में चारों तरफ अचानक भारत की विदेश नीति को लेकर तारीफों की बाढ़ आई हुई है। चीन ने एक सांस में भारत की तारीफ में जो जो बातें कही हैं उसे सुनकर पूरा भारत हैरान रह गया। चीन ने भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत से अच्छा डिप्लोमेसी किसी भी देश के पास नहीं। चीन के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जिसके संबंध में सभी देशों से काफी मधुर होते जा रहे हैं। उसकी तरफ से कहा गया है कि भारत की विदेश नीति बेखौफ होकर फैसले ले रही है जो भारत को महान बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन अचानक भारत की तारीफ में गीत क्यों गा रहा है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप चीन के इस चाल को भी समझ जाएंगे। दरअसल इस वक्त भारत ने अमेरिका के B-1B लॉन्चर सुपरसोनिक बॉम्बर्स के आने की धमक अब चीन तक साफ महसूस की जा रही है। ये महाविनाशक बॉम्बर भारत में कोप इंडिया अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अमेरिकी बॉम्बर भारत और चीन के बीच LSC से मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर बेंगलुरु में उतरे हैं। ये भारत में चल रहे एक हवाई अभ्यास में हिस्सा लेंगे। यह हवाई अभ्यास पश्चिम बंगाल में स्थित कलाईकुंजा एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है जो चीन की सीमा से बेहद करीब है और भूटान तथा बांग्लादेश से सटा हुआ है। इस घातक बॉम्बर के पहली बार भारत पहुंचने पर चीन के विदेशी मामलों के विशेषज्ञ मोदी सरकार के विदेश नीति के मुरीद हो गए और वे मोदी के बारे में मीठे मीठे बात बोल रहे हैं। चीन के विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका हर बार भारत को चीन के खिलाफ उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने हर बार धैर्य और समझदारी दिखाते हुए सूझबूझ से काम लिया है। चीनी सेना के पूर्व कमांडर ने अमेरिकन बॉम्बर को देखकर कहा कि यह एक ज्यादा ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाला बॉम्बर है। इसमें दुश्मन के डिफेंस जोन के बाहर से हमला करने की क्षमता है। यह बॉम्बर बेहद घातक है और आने वाले समय में चीन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। चीन के विशेषज्ञ ने दावा किया कि पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक संबंध काफी मजबूत हुए। इस तरह से भारत धीरे धीरे अमेरिका के करीब जाने लगा और भविष्य में नाटो भी शामिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब से भारत के नाटो में शामिल होने की चर्चाएं तेज हुई हैं तब से ही चीन भारत के साथ दोस्ती करने को लेकर मीठे मीठे गीत गा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर रूस से ज्यादा परेशान चीन लग रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ लद्दाख तनाव के दौरान अमेरिका ने भारत की सैटेलाइट तस्वीरों से मदद की थी। क्वाड देशों के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती पर चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत एक संतुलित विदेश नीति को अपना रहा है। चीन के एक जाने माने प्रोफेसर ने कहा कि चीन और भारत दोनों ही प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। चीनी प्रोफेसर जांग ने कहा कि भारत के अलावा कोई और देश ऐसी कूटनीति में सफल नहीं हो पाया है जहां पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों से मधुर संबंध स्थापित किए जाए। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत की महान ताकत बनने की इच्छा है, लेकिन वह अमेरिका के साथ समान सहयोग चाहता है। चीन ने भारत की तारीफ में आगे कहा कि भारत एशिया में भी कोई एक पक्ष नहीं ले रहा है, बल्कि सभी पक्षों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चीन के विशेषज्ञों की अचानक से भारत की तारीफ करने पर चीन मामलों के विशेषज्ञ आदिल बरार लिखते हैं कि यह कुछ संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भारत को हर मंच पर हिस्सा लेना चाहिए, हमें चीन के एजेंडे को लेकर और सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, चीन के इस तारीफ के पीछे क्या वजह हो सकती है, आप अपनी राय में कमेंट नीचे में बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।